अगर आप सोचते हैं कि एक इंसान ही अपने लिए आलीशान महल और सुंदर घर बना सकता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये भ्रम भी टूट जाएगा, क्योंकि दुनिया में ऐसी कई सारी चिड़िया हैं जो अपने लिए सुंदर और आलीशान महल बना सकती हैं, जिन्हें देखने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। और क्या आपने ऐसी चिड़िया के बारे में सुना है जो अपने घर में यानी कि अपने घोंसले में एसी लगाती है? और क्या आप ऐसी चिड़िया को जानते हैं जो अपने घर को इंसानों की तरह सजाती है? नहीं ना। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ दुनिया के सबसे सुंदर घोंसले को, जिन्हें देखने के बाद आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आखिर ये घर पक्षी ने बनाया है या इंसान ने। नंबर 10, द मोंटेजुमा ओरोपेंडोला नेस्ट। दोस्तों, अमेरिका में पाए जाने वाला ये कैरेबियन बर्ड का घोंसला देखने में ऐसे लगता है जैसे कि पेड़ पर कटहल लटके हो। और जनरली ये पक्षी मध्य अमेरिका के लगभग 30 मीटर ऊंचे पेड़ों की टहनियों पर अपना घोंसला बनाते हैं, और इन घोंसलों की लंबाई 60 से 180 सेंटीमीटर की होती है। और तो और, इन घोंसलों को बनाने के लिए इन्हें सूखी घास चाहिए होती है, जिन्हें की ढूंढने के लिए वे सुबह से रात तक दिन रात मुशक्कत और मेहनत के साथ इस सूखी घास को लेकर वो घोंसला तैयार करते हैं। और एक हैरानी की बात बताऊं, ये अपने पेड़ पर 100 से भी ज्यादा घोंसले बना सकते हैं। अनबिलीवेबल। नंबर 9, दोस्तों जब भी हम नेस्ट के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही पिक्चर बनी होती है कि जैसे कि पेड़ की टहनियों पर एक घोंसला बना हो। पर नंबर 9 पर जिस घोंसले की बात करना जा रही हूँ, उसका नाम है मेलीफाउल नेस्ट। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला ये पक्षी बाकी पक्षियों की तरह बिल्कुल नहीं है, यानी कि सबसे यूनिक बात इसकी ये है कि जबकि बाकी पक्षी अपने टहनियों पर घोंसले बनाते हैं, मगर ये पक्षी जमीन पर घोंसला बनाता है। ये पक्षी अपने पंजों से इस घोंसले को बनाता है और इसी में अपने अंडे रखता है, और उसे रखने के बाद ये मिट्टी और लकड़ियों से ढक देता है। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कोई अन्य शिकारी जानवर इनके घोंसले को कोई हानि ना पहुंचा सके। नंबर 8 पर है हमारा बोर बर्ड नेस्ट। दोस्तों, ये पक्षी किसी आर्टिस्ट से कम नहीं, यानी कि ये कुछ इस प्रकार के घोंसलों का निर्माण करता है कि जिन्हें देखने के बाद इंसान भी दंग रह जाएगा कि ये किसी पक्षी ने बनाया है या एक साधारण मनुष्य ने। दोस्तों, दरअसल इनके घोंसले भी जमीन पर बनाए जाते हैं, मगर सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात ये है कि ये घोंसले एक झोपड़े की तरह दिखाई देते हैं। और तो और, इन्हें सजाने के लिए ना जाने कहां से फूल इकट्ठा कर अपनी झोपड़ी में सजाते हैं। यानी कि दोस्तों, इन पक्षियों के अंदर एक इंटीरियर डिजाइनर तो जरूर छुपा है। नंबर 7, हमिंग बर्ड नेस्ट। दोस्तों, ये घोंसला इतना ब्यूटीफुल होता है कि जिसे देखने के बाद सिर्फ एक ही कोट दिमाग में आता है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी कि ये पक्षी देखने में जितने छोटे होते हैं, मगर इनकी कला और इनकी मेहनत उतनी ही बड़ी होती है। यानी कि ये अपना घोंसला तैयार करने के लिए एक विशाल पेड़ को ढूंढते हैं और वहीं पर अपना घोंसला तैयार करते हैं, जिसकी दूरी जमीन से लगभग 10 से 90 फीट की होती है। यानी कि अगर एक मनुष्य जमीन पे खड़ा होकर उस घोंसले को देखे तो शायद वो घोंसला उसे एक छोटे से गोले की तरह दिखाई दे। अन्य पक्षियों की तरह ये भी अपने घोंसले के लिए घास फूस और लकड़ी का इस्तेमाल तो करते ही है, मगर सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात ये है कि ये अपने घोंसले के लिए मकड़ी का जाला यूज करते हैं। इसकी वजह से ये एक चमचमाते यानी कि शाइनिंग करते हुए एक कप की तरह दिखाई देता है। और 10-12 दिन में घोंसला तैयार करने के बाद ये इन्हें पत्तियों से ढक देते हैं, यानी कि ये सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखते हैं। नंबर 6, बाल्ड ईगल नेस्ट। ये दुनिया का ऐसा पक्षी है जिसका कि घोंसला 12 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा होता है। दोस्तों, ये ईगल आकार में इतने बड़े होते हैं तो इनका घोंसला भी तो बड़ा होगा ही ना। और दोस्तों, ये ईगल इस घोंसले को बनाने के लिए अपने बच्चे को जन्म देने से 30 दिन पहले ही इस घर को बनाने में जुट जाते हैं। और ये घोंसला भी बाकी पक्षियों की तरह पेड़ पर ही बनाया जाता है, पर इस घोंसले को कोई अन्य पक्षी या जानवर को खबर भी नहीं होती। नंबर 5, यूरोपियन बी ईटर बर्ड नेस्ट। बी ईटर, इस नाम से तो आप जान गए होंगे कि ये पक्षी बीज यानी कि मधुमक्खी खाते हैं। कोई अन्य पक्षियों की तरह अपना घोंसला पेड़ पर
नहीं बनाते, बल्कि ये किसी पहाड़ नदी के किनारे को चुनकर एक गड्ढा खोदते हैं जिनमें कि ये अपने अंडे रखते हैं। दोस्तों दरअसल इनको हवादार जगहों में रहना पसंद होता है, मगर इनका खामियाजा भी इन्हें भुगतना पड़ता है। दरअसल जब ये पहाड़ों पर कुछ जगह खोदकर अपना घोंसला तैयार करते हैं तो इनकी वजह से कई बार सांप या अन्य प्रजातियों के पक्षी भी इनके अंडों को इस तरह नुकसान पहुंचाते हैं जिनका इनको अंदाजा भी नहीं होता। नंबर 4, सोशिएबल वीवर बर्ड नेस्ट। अफ्रीका में पाए जाने वाला ये सुंदर घोंसला इतना बड़ा होता है कि इसमें ना तो केवल एक बल्कि 300 पक्षी एक साथ एक नेस्ट में रह सकते हैं। यानी कि ये पतली पतली लकड़ियों से अपना घोंसला तैयार करते हैं जो कि गर्मी में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है। नंबर 3, कॉमन टेलर बर्ड नेस्ट। दोस्तों नाम के आगे कॉमन लग जाने से इसको कॉमन समझने की भूल बिल्कुल ना करना, क्योंकि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन बर्ड। दरअसल एशिया के जंगल के पेड़ों पर पाए जाने वाले ये घोंसले इस तरीके के होते हैं जिन्हें कि सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये घास फूस के बजाय पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं और ये पत्तियों के किनारे पर इतने छोटे छोटे और बारीक शेप करते हैं जिनसे कि ना तो पत्ते की शेप चेंज होती है ना ही वह टूटता है। दोस्तों ये पौधों से निकलने वाले फाइबर और कीड़ों के रेशम से एक दूसरे की पत्ती को आपस में चिपका देते हैं। इसके साथ 100 से 200 टांगे लगा देते हैं जिसे ना तो कोई शिकारी पक्षी और ना ही कोई आंधी तूफान के घोंसले को कोई हानि पहुंचा सकते हैं। नंबर 2, वीवर बर्ड नेस्ट। दोस्तों ये सबसे पुराना पक्षी है, यानी कि ये लंबी घास के पत्तियों का इस्तेमाल करके अपने घोंसलों का निर्माण करता है और इसे बनाने में से 6 से 7 महीने लग जाते हैं। तो इसलिए कहा भी जाता है कि इसका घोंसला किसी अंबुजा सीमेंट से कम नहीं, यानी कि कोई आंधी तूफान भी इस घोंसले को हानि नहीं पहुंचा सकता। नंबर 1 पर है हमारा एल्फ आउल नेस्ट, यानी कि दिन में सोने वाला और रात में जागने वाला उल्लू। ये बाकी पक्षियों की तरह अपना घोंसला पेड़ की टहनियों पर नहीं बनाता, बल्कि एक कैक्टस के पौधे में बिल बनाकर ये अपने अंडों को सुरक्षित रखता है। अनबिलीवेबल, दिस बर्ड्स आर सो क्रिएटिव। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन से इंटीरियर डिजाइनर का सबसे ज्यादा घोंसला पसंद आया। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। बाय बाय।